सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मान्या एंड मॉम लाइफ में। तो आई ना मैं आपको अपने किचन का टूर करवाने वाली हूँ। वैसे अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपने कई बार मेरे किचन को भी देखा होगा, लेकिन आई ना मैं सिर्फ आपको किचन का टूर करवाने वाली हूँ। तो आपको मेरा किचन कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो वो भी आप बता सकते हैं, और कुछ अच्छा लगा है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम जैसे ही ना किचन के लिए एंटर करते हैं तो जो किचन के एंट्रेंस है ना उसको भी मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, और यहाँ पर देखिए एक जो है फोटो फ्रेम लगी है जो कि हमको ना गिफ्ट में मिली थी, और यहाँ पर ना मैंने इस तरीके से बटरफ्लाई लगाई है, और एक जो है मैंने DIY किया था उसको हैंग किया है। और देखिए इसके आगे ना लाइट भी बहुत अच्छे से मतलब जो है लाइटिंग की गई है वो भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पर देखिए एक वॉच लगी है क्योंकि किचन में काम करते समय ना समय बहुत बार बार देखना पड़ता है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ मैंने एक डोरमेट लगाया है जो कि ग्रीन घास वाला है और मुझे ना बहुत पसंद आता है। तो देखिए मेरा ये जो फ्लोर है वो इस तरीके से वाइट कलर का है, और जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले ना हमारा फ्रिज आता है। और मेरी जो किचन है ना वो यू शेप में बनाई गई है, किचन में ना स्पेस बहुत ज़्यादा है, और जो अलमीरा है मैंने ना ऊपर तक नहीं बनवाई है क्योंकि किचन में ना जगह बहुत ज़्यादा है और फिर ना साफ़ सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता। तो देखिए बस इतनी हाइट तक ही मैंने जो है बनवाई है अपनी अलमारी। और हमने जो है फर्नीचर भी सिर्फ दो साइड ही करवाया है, पूरे में नहीं करवाया है, तो इस तरीके से कुछ लुक आता है मेरे किचन का। तो देखिए मैं और अच्छे से आपको इसको ना दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना जो सिंक है हमने ना साइड में नहीं करवाई है, साइड में करवाने से क्या होता है बर्तन धोने में दिक्कत आती है। आप सोचिएगा इसके दोनों जगह साइड में ना बहुत अच्छे से जगह दी गई है जिससे ना बर्तन धोने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, आप आसानी से बर्तन धो सकते हैं। और सिंक ना बहुत गंदा दिख रहा होगा, इस तरीके से ना आप वाइट वाला सिंक कभी भी ना लगवाएं, ना बहुत गंदा होता है। और देखिए ये वाली जो ओपन सेल्फ है ना इनको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, और जो मेरे पास एक करवा रखा हुआ था ना उससे इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक करवा रखा हुआ था मेरे पास तो उसमें ना मैंने एक छोटू सा पॉट रख दिया है जिससे ना ये बहुत ही सुंदर लगने लगा है, और करवाना बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। और इस तरीके से छोटू छोटू से जो पॉट थे मेरे पास उनको यहाँ पर डेकोरेट किया है, और इसके अंदर जो है स्टोन मैंने डाले हैं, ये मतलब जो प्लांट था ना इसके अंदर पहले से ही लगा हुआ था, और ये ना आर्टिफिशियल प्लांट है। तो इस ओपन सेल्फ मैंने इसीलिए बनवाई है क्योंकि मैं ना अपने किचन को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकूं, और ये मैंने मार्केट से लिया था। हाँ ये वाला ना मैंने खुद से ही डेकोरेट किया था और मेरा खुद का DIY है। और यहाँ पर देखिए इसको ना मैंने कद्दू के बीज से बनाया था, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो देखिए आगे देखते हैं, इस साइड पर ना इस तरीके से जो है कबर्ड बने हुए हैं, यह पहली वाली कबर्ड मैं आपको दिखाती हूँ, और इन पे ना मैंने सेल्फ डलवाई है क्योंकि जो है इतने बड़े बड़े डिब्बे नहीं होते हैं, सेल्फ डलवाने से क्या है इनका अच्छे से यूज़ हो जाता है। और देखिए जो मेरे स्टील के डब्बे होते हैं ना उनमें सब पे मैं स्लिप लगा के रखती हूँ कि किस में क्या रखा है, ढूंढने में ना बहुत आसानी होती है। और उसी के पास ना मैंने एक क्रॉकरी के लिए भी सेल्फ बनवाई है, अभी तो ना थोड़ा बहुत ही सामान है, ज़्यादा नहीं है। और देखिए उसके अंदर भी ना मेरी जो एक छोटी सी अचार की बाल्टी खाली हो गई थी उसमें भी मैंने ना कुछ फ्लावर लगा के रखे हैं, और थोड़ा बहुत जो सामान था वो भी रखा है यहाँ पर। और इसके अंदर जो सेल्फ है वो भी कांच की है, और इसमें ना अच्छे से आप देखिए सामान ढेर सारा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी अलमीरा हो, अलमीरा ना बहुत बड़ी है तो इनमें ना सामान ढेर सारा आ जाता है, और आप चाहें तो इनके ऊपर भी कुछ सामान रख सकते हैं। और ये साइड में ना हमने RO लगवाने के लिए जो है सेल्फ बनवाई है, और उसके नीचे देखिए पानी पीने के लिए ना मेरा एक मिट्टी का और एक स्टील का दो बर्तन रखे रहते हैं, और यहाँ पर एक कोने में एक और पॉट रखा है जो मैंने खुद से ही DIY किया था, और इसमें ना मैं कभी फ्लावर लगा देती हूँ, कभी मोरपंख लगा देती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है ऐसे मतलब मैं बदलती रहती हूँ। तो किचन को भी ना थोड़ा बहुत तो डेकोरेट करना ही चाहिए, अच्छा लगता है, हमारा ना ज़्यादातर समय किचन में ही निकलता है। और यहाँ पर देखिए है ना मेरी
जो है पूर्व दिशा है, और यहाँ पर ना एक अच्छी सी विंडो दी गई है जिससे ना मेरी बालकनी दिखती है, और सामने तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर खेत, पेड़, आसमान, पशु पक्षी सभी दिखते हैं मतलब यहाँ से। देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड है, और एक साइड पूरी होने के बाद अब मैं आपको अपनी दूसरी साइड दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से सेल्फ है, तीन सेल्फ एक तरफ है और दो कबर्ड एक साइड है, और अभी ना चिमनी लगाने के लिए भी बीच में जगह दी गई है, और इसमें भी जो ओपन सेल्फ हैं और उनके नीचे ना देखिए इस तरीके से हमने ट्रॉली लगवाई है, एक तरफ दो हैं और एक तरफ तीन ट्रॉली लगवाई हैं। और देखिए इसमें ना मेरा छोटा मोटा सामान जैसे कटलरी है, छोटे छोटे से मसाले वगैरह के डिब्बे हैं ना, वो अरेंज हैं। और इनमें भी ना ढेर सारे बर्तन आते हैं, आप चाहे तो इनमें और कोई मसाले के डब्बे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तो ना इसमें सिर्फ बर्तन ही रखे हुए हैं। और इसके पीछे भी ना मैंने जो है फ्लोर वाले टाइल्स लगवाए हैं जो देखने में ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए इस तरीके से मेरा इंडक्शन रहता है, गैस चूल्हा रहता है, और यहाँ पर ना साइड में मिक्सी रखी हुई है क्योंकि मिक्सी का ना बहुत सारा काम होता है। और देखिए यहाँ पर मैंने ना आलू प्याज के लिए अलग से एक डलिया रखी है, और यहाँ ना कोने में मेरा फ्रिज रखा हुआ है, और फ्रिज ना अभी पुराना ही है, वैसे यह जगह ना डबल डोर फ्रिज के लिए दी गई है, अच्छे खासा स्पेस है। और यहाँ जो पुराना बर्तनों का स्टैंड था ना उसको भी मैंने हैंग करके रखा है। और देखिए ये वाली जो विंडो है हमारे हॉल में जाके खुलती है, तो अभी ना इसको पैक, हमें पैक नहीं करवाना, इसके लिए कुछ अलग से सोचा है, तो इसको ना इस छोटे छोटे से यहाँ पर पॉट रख दिए हैं, और इस जगह पर ना हमको जो है डाइनिंग टेबल का एरिया इसको बनाना है, तो भविष्य में ना यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखेंगे। और देखिए कितना सुंदर सा मेरा किचन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक बार फाइनल लुक देखिए कि किस तरीके से है मेरा किचन। अभी ना थोड़ा बहुत काम रह गया है, उसको भी करवा लेंगे। और अगर आपको किचन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। पिंक और वाइट थीम पर बना हुआ है मेरा किचन।